आज मैं देखने वाला हूँ यहाँ पर रेड हल्क बस्टर की एज जल्दी बढ़ेगी या फिर इस गोल्ड हल्क बस्टर की। जो भी यहाँ पर जल्दी एज बढ़ाएगा, जो भी जीतेगा वो स्टार्क मेंशन में रुकेगा, बाकी दूसरा वाला हल्क बस्टर यहाँ से निकल जाएगा। अरे सर, मैं रेड हल्क बस्टर हूँ, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पर किसकी एज बढ़ती है। अरे वाह, यहाँ पर गोल्डन हल्क बस्टर की एज तो बड़ी अच्छी तरह से बढ़ रही है, लेकिन ये रेड हल्क बस्टर की एज तो बिल्कुल बेकार है, उसकी तो एज एक ही बढ़ी है। अरे नहीं, ये क्या गोल्डन हल्क बस्टर की जितनी स्पीड में कैसे बढ़ सकती है? गोल्डन हल्कबस्टर यहां पर जीतता है क्योंकि गोल्डन हल्कबस्टर ने भाग भाग कर अपनी एज को 2 करोड़ से भी ज्यादा कर लिया है। अरे बाप रे गाइस, ये क्या? अरे वाह, मजा आ गया सर जी, मैं तो 2 करोड़ साल का हो गया। और यहाँ पर ये रेड हल्कबस्टर तो अभी भी 1 साल का ही पड़ा है। अरे नहीं, प्लीज कोई मेरी मदद करो, वीडियो को लाइक करो वरना टोनी सर मुझे भगा देंगे और चैनल को सब्सक्राइब है। चल निकल यहाँ से, बेवकूफ कहेंगे तू हारता है, तू वैसे भी पिद्दी सा रह गया है। अरे नहीं टोनी सर प्लीज एक मौका दे दीजिए मुझे। अब कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे गाइस, मैं छोटा सा पिद्दी सा 1 साल का रेड हल्कबस्टर रह गया और वो गोल्डन हल्कबस्टर इतना बड़ा हो गया। कितना ज्यादा गलत हो गया मेरे साथ। काश दोस्तों मेरे पास कोई सुपर पावर होती जिसके इस्तेमाल से मैं खुद की एज को बढ़ा पाता। 1 मिनट गाइस, वो सामने क्या चल रहा है? अरे ये तो कोई आयरमैन है। अरे भाई, मेरे को बहुत ही बुरी तरह से मारा कुछ गुंडे लोगों ने, आज मैं किसी भी हालत में मर जाऊंगा या खुद की एज बढ़ाऊंगा। गाइस ये तो कोई अपाहिज आयरनमैन है बेचारा, और इसकी उम्र 22 साल है और ये तो किसी ब्लू पोर्टल में चला गया है। लेकिन इसमें जाके होगा क्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। गाइस कहीं वो सच में मर ना गया हो बेचारा। काश गाइस मैं खुद की एज बढ़ा पाता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं खुद की एज कैसे बढ़ाऊंगा। अरे वाह, मैं तो 1.5 करोड़ साल का हो गया। 1.5 करोड़ साल का? ओह माय गॉड गाइस, इस पोर्टल में गाइस कुछ तो ऐसा जादू है जो सबको एज बढ़ा देता है। गाइस मुझे भी खुद की एज बढ़ानी है, देखिए कितना विशाल लग रहा है। दोस्तों मैं छोटा सा 1 साल का हल्कबस्टर हूँ, चलो मैं भी जाता हूँ। और बाप रे, ये कौन बच्चा गिर गया? अरे सर, मैं 1 साल का रेड हल्कबस्टर बेबी हूँ और मुझे यहाँ पे खुद की एज को बहुत ज्यादा बढ़ाना है। टोनी सर ने मुझे भगा दिया स्टार्क मेंशन से। उसके लिए तो बच्चे तेरे को वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कराना होगा, साथ साथ में कमेंट में एटी गेमर ओपी लिखवाना होगा। गाइस प्लीज एटी गेमर ओपी लिख दीजिए कमेंट में, साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी, उससे ना मैं यहाँ पे ज्वाइन हो जाऊंगा। अरे ज्वाइन होने से फायदा भी नहीं है, यहाँ पर जीतूंगा तो मैं पिंक हल्कबस्टर हूँ और जीतूंगा तो मैं हूँ रेड आयरनमैन। मेरी बात सुनो बच्चा लोग, लड़ना बाद में, पहले यहाँ पे टर्म सुन लो। जिसको भी यहाँ पे खुद की एज बढ़ानी है उसको इस पतले से रास्ते पे जाकर जायंट रेड रिवेंजर हक से बचनी होगी, लेकिन अगर तुम इनके चंगुल मांगे तो तुम्हें जान से मार सकते हैं। फिर यहाँ पर तुम्हें जायंट यूनिवर्स जिला मिलेगा जो तुम्हारी बैंड बजा सकता है। उसके बाद तुम्हें छोटे रेड हल्क की आर्मी मिलेगी और यहाँ मिलेगा तुम्हें पोर्टल। पोर्टल का इस्तेमाल करके तुम खुद की एज को 200 से 400 गुना भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। उसके बाद बच्चा लोग तुम्हें और आगे जानी होगी, यहाँ पर तुम्हें और खतरनाक तरीके का जायंट हल्क मिलेंगे। अगर तुम्हें इनसे भी बचना है तो तुम्हें बहुत ध्यान से इनको पीट कर या फिर बच के आगे जानी होगी। जो भी बच्चा बहादुर हुआ और इन सभी हल्क से बचता हुआ एकदम फिनिश लाइन पे पहुंचा, माना गया उसकी एज करोड़ों में बढ़ सकती है, खुद की एज को करोड़ों साल बढ़ा सकता है। जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए बच्चा लोग। अरे गाइस यहाँ पर ना देखिए, सबसे पहले ये पिंक हल्कबस्टर जा रहा है। अरे सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं 1 साल का पिंक हल्कबस्टर और एक काम करता हूँ, यहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके का बॉम्ब लगा देता हूँ जिससे कि कोई भी अगर आए और यहाँ पर आके मर जाए। हाँ गाइस, ये बच्चा तो बड़ा चालाक है, देखिए इसने बॉम्ब्स लगाए जिससे कि मैं या फिर कोई दूसरा कंपेटिटर इसका आगे न बढ़ पाए। बिल्कुल सही कहा तूने ओए बच्चे, यहाँ पर मैं दुनिया का सबसे ज्यादा एज वाला हल्कबस्टर बनूंगा, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक। अरे बाप रे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। गाइस इस बच्चे को तो कोई देख भी नहीं पा रहा है क्योंकि ये इतना छोटा है हाइट में, ये तो लिटरली मेरे साइज का है। अरे चल तुझसे तो बड़ा ही हूँ मैं, गंदे से बच्चे, तू तो रेड हल्कबस्टर है, मैं तो पिंक है, किसने मारा? मैं सबको मार देगा। गाइस यहाँ पर यूनिवर्स जिला ने पिंक हल्कबस्टर को बहुत बुरी तरह से, ओह माय गॉड, इंजर्ड कर दिया है। अरे बाप रे, बहुत बुरा मारा मुझे, लेकिन मैं सबसे बदला लूंगा, एक बार मेरी एज बढ़ जाए। अरे वाह, सामने तो पोर्टल है, जल्दी जल्दी आगे जाता हूँ। क्या लगता है गाइस सजो? अरे बाप रे, ये तो बच गया बाल बाल। अरे बाल बाल बच गया, अभी गिर जाता मैं। वाह, इस वाले पोर्टल से तो मैं खुद की एज बढ़ा लूंगा, कम ऑन। अरे ये किसने मारा? ओह माय गॉड गाइस, ये खुद की एज बढ़ाने वाला था, एक सांस से इसको जायंट रिवेंजर हल्क ने मार दिया। कितना बुरा लग हुआ उसके साथ। ओए मैं तो एकदम रेड आयरन मैन हूं, मैं तुझसे बड़ा हूं, मेरी उम्र है 2 साल। अरे बाप रे, ये क्या, यहां तो बहुत ही खतरनाक तरीके का मार दिया। गाइस यहां पर रेड आयरन मैन को कितनी बुरी तरह से डैमेज हो गया। ओए कोई बात नहीं है, मैं जल्दी से आगे जाऊंगा और जीत के दिखाऊंगा। भागो भागो भागो, पूरी स्पीड में भागो। गाइस यहां पे रेड आयरन मैन इन सभी खतरनाक तरीके के खतरों से बचता हुआ आगे जा रहा है, लेकिन देखना ये है गाइस क्या सच में ये अपनी एज बढ़ा पाएगा, क्योंकि सामने जो रिवेंजर हल्क है वो किसी को अपनी एज नहीं बढ़ाने दे रहा है, जो भी जा रहा है उसको लेजर से मारता है। और ऐसा कुछ नहीं,
है, वो पहले वाला हल्कबस्टर तो बड़ बोला था, बस बोलना सोलना आता था उस पर, मैं तो बहुत खतरनाक हूँ, मैं यहाँ पे जीत कर आऊंगा। गाइस यहाँ पर ये बोल रहा है पहले वाला हल्कबस्टर नोप था इसलिए वो हार गया, लेकिन ये जीतने की बातें कर रहा है। गाइस खैर, ओ माय गॉड ये क्या, यहाँ पर इसको तो बुरी तरह से इसने हल्क को पीट दिया। मैं पिट गया हूँ, मैंने नहीं पीटा हल्क को, बेवकूफ क्या बोलता है। अरे सॉरी गलती से बोल दिया। गाइस यहाँ पर देखिए ये आयरन मैन अब आगे जा रहा है, दोस्तों मुझे टोनी सर को किसी भी हालत में दिखाना होगा कि मैं काबिल हूँ खुद केज बढ़ाने के, मुझे भगा दिया गया क्योंकि मैं काबिल नहीं था ना। और जल्दी जल्दी आकर जाता हूँ, अरे बाप रे जल्दी से काम करता हूँ, जल्दी उसके अंदर जाता हूँ और जाकर खुद केज को बढ़ाऊंगा। गाइस यहाँ पर देखना ये है रेड डायमंड की भी एज बढ़ेगी या फिर पिटेगा। अरे नहीं पिटूंगा। अरे वाह गाइस ये तो सच में 50 साल का हो गया, देखिए इसको किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा ना मैं बॉस हूँ, मैं हूँ रेड आयरन मैन, दुनिया का सबसे बड़ा जान डायमंड बनूंगा, टोनी सर के पास भी इतने खतरनाक आयरन मैन के सूट नहीं होंगे जितना मैं खुद बन जाऊंगा बड़ा। हा, सामने से हटा। गाइस यहाँ पर देखिए ये सभी जायंट रिवेंजर के बीच से निकलता हुआ जा रहा है और कितना ज्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। अरे बाप रे सामने तो हल्क से, हटो यहाँ से, मेरा रब बाप ने, अरे बचाओ, नहीं मैं गिर कैसे सकता हूँ, मेरे पास आयरन मैन की पावर होनी चाहिए थी। गाइस फाइनली अब मेरा नंबर है, मैं एक छोटा सा रेड हल्क बस्टर हूँ जिसको टोनी सर ने कॉम्पिटिशन की वजह से बाहर निकाल दिया, मेरा कोई अपना नहीं है। अगर गाइस आप सभी मेरे अपने तो कॉमेंट में यस जरूर लिखना, हम साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे और खुद की एज को आगे बढ़ाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलो फाइनली गाइस मैं काफी आगे निकल चुका हूँ, दोस्तों बस ये जायंट रिवेंजर मुझ पे हमला ना करे, मुझे दिन से बहुत ही डर लगता है, मैं भी बहुत छोटा सा बच्चा हूँ। एक बार गाइस मेरी एज बढ़ जाए उसके बाद मैं सबको देख लूंगा सबसे पतला लगा। ये क्या था गाइस, अरे बाप रे बहुत जोर से लगी। अरे दोस्तों सामने तो यूनिवर्स जला है, ए मार देगा मैं सबको। गाइस ये यूनिवर्स जला तो धमकी दे रहा है, इससे पहले कि सच में मुझे देखकर मार डाले मैं जल्दी जल्दी आगे जाता हूँ और जाकर सबसे पहले पोर्टल में जाऊंगा और जाके खुद किए जाए। अरे बाप रे मार दूंगा, मैंने बोला था ना। अरे नहीं ये यूनिवर्स जला तो बहुत बुरा मारता है, कितना बुरा मारा इसने। अरे नहीं मार दिया मैंने। चलो गाइस शुक्र है मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ, सामने देखिए पोर्टल है, अरे वाह मैं काफी आगे आ चुका हूँ, अब जल्दी से पोर्टल में जाऊंगा और अरे अरे खुद की एज को बढ़ाऊंगा। फाइनली गाइस हम इस पोर्टल में जाने वाले हैं और अब मेरी एज जरूर बढ़ जाएगी, कमोन 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 प्लीज मेरी एज बढ़ जाओ। अरे वाह गाइस मैं तो पहले से ज्यादा एज का हो गया 41। और गाइस अभी ना मैं थोड़ा सा स्मॉल नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ क्योंकि मेरा साइज भी बढ़ गया है। गाइस अब चलो जल्दी आगे जाते हैं, अरे बाप रे बहुत ज्यादा स्पीड में जाना पड़ रहा है। गाइस सामने तो जायंट रेड ब्लू रिवेंजर है। ओके गाइस इन सभी से भी बचते हुए आगे जा रहे हैं। ए बच्चे यहाँ मत आओ ना, खत्म कर देंगे, समझा तो। नहीं मैं खत्म नहीं होने वाला, मैं फाइनली गाइस फिनिश लाइन में पहुंच गया हूं। ओके दोस्तों अरे ये क्या, मार दूंगा। अरे गाइस पोर्टल के अंदर से तो फायर रिवेंजर निकल गया एक साथ, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल भी नहीं था वहां पर। बहुत हो गया, ये ले मैं तुझे बॉम्ब से फाड़ दूंगा। अरे ये क्या करता है, अरे नहीं गाइस फाइनली हमने उसको डरा दिया है बॉम्ब से। और ये ले, अरे नहीं मार दिया। गाइस फाइनली हमने फायर रिवेंजर को हरा दिया, अब जल्दी से इसके अंदर जाते हैं। पता नहीं गाइस मेरी एज कितनी बढ़ेगी, प्लीज 30-40 हजार साल बढ़ जाओ। अरे वाह देखिए मेरा साइज कैसे बढ़ गया, अरे गाइस मैं तो एज 52,000 इयर्स का हो गया। और देखिए यहाँ पर मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन सर मुझे ना अपनी एज और ज्यादा बड़ी करनी है, मुझे अपनी एज करोड़ों साल में करनी है जिससे कि टोनी सर मुझे एक्सेप्ट कर ले वापस से स्टार्क मेंशन में। उसको नहीं तो बच्चे तेरे को और भी ज्यादा खतरनाक टास्क करने होंगे, चल मेरे साथ। गाइस अभी ना हम डॉक्टर मिक्सी सर के साथ जा रहे हैं, जल्दी आता बच्चे यहाँ पे टाइम नहीं है, वरना कंटेस्टेंट निकल जाएंगे, टाइम निकल जाएगा। हाँ तो मेरी बात सुनो बच्चा लोग, जिसको भी यहाँ पर खुद की एज को 3-4 करोड़ या 10 करोड़ तक लेके जाना है उसके लिए मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। ठीक है सर मैं तैयार हूँ बात सुनने के लिए। यहाँ पर तुम लोगों को सबसे पहले आगे जानी होगी, यहाँ है बहुत ही खतरनाक मगरमच्छों से भरा पानी, लेकिन एक टापू है जो कि फायर गॉड से प्रोटेक्ट हुआ पड़ा है। तो बच्चा लोग मैंने सुना है इन फायर गॉड एंड खतरनाक तरीके जायंट रिवेंजर के पास एक बहुत ही खतरनाक तरीके की चॉइस है। पहला होगा ट्रेडमिल। ट्रेडमिल बिल्कुल सही कहा बच्चा लोग, ट्रेडमिल के इस्तेमाल से तुम खुद का साइज बढ़ा सकते हो। लेकिन यहाँ पर दूसरी चॉइस है पोर्टल। माना गया इनमें से कोई एक ही चॉइस सही है, अगर गलत चॉइस चूज की तो मारे जा सकते हो बच्चा लोग। अब पोर्टल चूज करना या ट्रेडमिल वो तुम्हारे हाथ में होगी, लेकिन पहले तुम्हें यहाँ तक पहुंचने के लिए इस आर्मी को हरानी होगी बच्चा लोग। अरे सबसे पहले मैं जाऊंगा, मैं हूं आइस आयरन मैन। गाइस ये तो आइस आयरन मैन है, और देखिए ये बोट का इस्तेमाल करके जा रहा है। अगर मैं सुपर पावर इस्तेमाल करके गया तो उनको पता चल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे बोट का इस्तेमाल करूंगा। मैं बहुत ज्यादा चालाक हूँ। गाइस ये कितनी बड़ी बोट लेके जा रहा है, उनको लगेगा यहाँ टूरिस्ट घूमने आए हैं, लेकिन उनको असली सच नहीं पता। यहाँ पर मैं उनका पोर्टल चुरा लूंगा या फिर ट्रेडमिल, किसी एक चॉइस को चूज करके खुद की एज को करोड़ों साल में बदल लूंगा। गाइस यहाँ पर अब आइस गॉड आयरन मैन आ चुका है, अब देखना ये ऐसी कौन सी चालाकी से इस्तेमाल करने वाला है पोर्टल को या फिर ट्रेडमिल को। गाइस देखिए सामने कितनी खतरनाक तरीके से चारों तरफ से प्रोटेक्शन हुई पड़ी है,
उस ट्रेडमिल की भी और साथ साथ में उस पोर्टल की भी। अरे मैं क्या चूज करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना ट्रेडमिल ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। अरे इसमें झटके लग रहे हैं। गाइस ट्रेडमिल को प्रोटेक्ट कर रखा है बिजली वाले जाल से। यहाँ पर बिजली कितनी खतरनाक तरीके की है। अरे बाप रे, नहीं कितना बुरा मारे जाएगा। इस काम करता हूँ, मैंने इसको ना तोड़ दिया। गाइस इसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके तोड़ दिया। अब देखना ये इसका साइज यहाँ पे। अरे बाप रे गाइस, ट्रेडमिल तो गलत निकला। ट्रेडमिल चूज करना नहीं चाहिए था। कौन है? अरे इसमें तो कोई मरा हुआ है। ए, तू हमारा ट्रेडमिल चुराएगा, ये ले। गाइस ब्लैक स्टार गॉड ने आइस को डायमंड को पूरी तरह से खत्म कर डाला। ओ माय गॉड, मुझे तो देख के डर लग गया। ओए तू तो है डरपोक, मैं हूं ब्लैक जायंट हल्क बस्टर, मैं 55,000 साल का हूं। गाइस यहां पर देखिए, ये भी तैरता हुआ एकदम स्टॉप पे पहुंच गया। और गाइस यहां पर ये तो डायरेक्ट हमला कर रहा है इन पर। अरे मैं सबको मार दूंगा, ये ले। हमको मारेगा, इतने हिम्मत? अरे हां सबको मार दूंगा मैं। गाइस यहां पर ब्लैक हल्क बस्टर लिटरली में सबको पीट रहा है। अब देखना ये क्या उस पोर्टल का इस्तेमाल करके ये खुद का साइज बढ़ा पाएगा नहीं, क्योंकि गाइस ट्रेडमिल तो फेक निकला था। आया माना सबको मार दिया, अब जल्दी से जाल तोड़ के इस वाले पोर्टल का इस्तेमाल करके खुद की एज को करोड़ों में बदल लूंगा। गाइस एक मिनट, ये क्या? ओ माय गॉड, हगी वगी जिला कहां से आ गया? मैं तेरे को मार देगा, मैं फायर एंड यूनिवर्स से बना हुआ हगी वगी जिला। ओ माय गॉड गाइस, यहां पर तो नए एनिमीज आ चुके हैं। अरे बाप रे, टापू बिल्कुल भी सेफ नहीं है। दोस्तों अब मैं 52,000 साल का रेड हल्क बस्टर जा रहा हूं खुद की किस्मत आजमाने, किस्मत नहीं मेहनत को आजमाने एक्चुअली। गाइस देखिए यहां पर ये जायंट यूनिवर्स जिला है, ये पकड़ा इसको। अरे बाप रे, ये ले फाइनली गाइस, हमने उस जायंट यूनिवर्स जिला को तो फेंक दिया, बाकी अभी इसके मॉन्स्टर्स बचे हैं। अरे बाप रे, मेरे को मारेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? ये ले सबको मार दूंगा मैं सबसे खतरनाक हूं। गाइस ये तो मुझे मारने के चक्कर में अपने लोगों को ही मार रहा है। अरे ये ले, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, कितना बुरा मारा इसने मुझे। गाइस बस इसने मेरा एक फायदा कर दिया, इसने ना अपने सारे के सारे मॉन्स्टर भाइयों को मार दिया है मुझे मारने के चक्कर में, जिस वजह से दोस्तों यहां पर मेरा एक फायदा है, मैं इसको पीछे से या कहीं से भी वार करके हरा सकता हूं। ये ले तेरी तो, और ये ले। अरे बाप रे, ये क्या कर रहा है तू? नहीं कितना बुरा मारा। फाइनली गाइस हमने उस हगी वगी जिला को कितनी दूर फेंक दिया है। अब इससे पहले कि वापस आए, इन सभी को यहां पर पीट देते हैं। अरे बाप रे, सबको मारता है तू तो। फाइनली दोस्तों अब यहां पर जो पोर्टल है वो अकेला है। अब समय आ गया दोस्तों इस पोर्टल का इस्तेमाल करके खुद की एज को करोड़ों साल में बदलने का। अरे वाह, मेरा साइज देखिए। ओह माय गॉड गाइस, मैं तो 3 करोड़ साल का जायंट रेड हल्कबस्टर बन गया। दोस्तों अब चलते हैं टोनी सर के पास और जाके ना हम उनके हल्कबस्टर जो कि गोल्डन हल्कबस्टर है उससे वर्सेस करेंगे और जीत के दिखाएंगे, जिससे कि टोनी सर मुझे अपनी एवेंजर्स टीम में ज्वाइन कर ले। अगर गाइस आप सभी चाहते हैं मैं एवेंजर्स टीम में ज्वाइन हो जाऊं तो प्लीज कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। और हां, बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।